राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित बनास नदी से कचरा और प्लास्टिक हटाने की मांग को लेकर गुरुवार को यमुना महारानी सेवा मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने के दौरान गणगौर घाट से जूनीबाड़ी तक नदी पेट को गहरी करने और उसकी साफ सफाई उसके संरक्षण की भी मांग की। सेवा मंडल के धर्मेश गुर्जर ने बताया कि पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा से होने से श्रीनाथ जी से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और वैसे ही आस्था बनास नदी को लेकर भी है। काफी वर्षों से नदी में मलबा कचरा पॉलिथिन नदी को प्रदूषित कर रहा है, जिसको लेकर कई बार पालिका आयुक्त मंदिर मंडल सीईओ को बताया गया, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। सेवा मंडल ने मांग की है कि नदी को साफ करवाकर 10 फीट गहरी किया जाए ताकि लंबे समय तक नदी में पानी भरा रहे। यमुना महारानी सेवा मंडल ने नगरवासियों से अपील की है कि सेवा पूजा की सामग्री थैली और कट्टे को खोल के जल में विसर्जित करें, जिससे कि पानी की स्वच्छता बनी रहे और आरती की जा सकती है। इस दौरान यमुना महारानी सेवा मंडल के एडवोकेट धर्मेश गुर्जर, एडवोकेट योगेश त्रिपाली गुर्जर, समाज सरपंच कमल किशोर गुर्जर, विप्र फाउंडेशन के अरुण बागोरा, शैलेंद्र गुर्जर, हरि भाई गुर्जर, सुनील गुर्जर मौजूद रहे। पुष्टि मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ नाथद्वारा होने की वजह से साल भर वैष्णवों का तांता, नगरवासियों की आस्था श्रीनाथ जी में लगी हुई है। जैसी व्यवस्था श्रीनाथ जी के साथ में, जैसी आस्था श्रीनाथ जी के साथ में है, वैसी ही यमुना स्वरूपा बनास नदी में भी सबकी प्रगाढ़ आस्था जुड़ी हुई है। विगत काफी समय से मलबा कचरा पॉलीथीन वगैरह जमुना जी में जो है डाली जा रही है, उसकी सफाई वगैरह रोकथाम वगैरह कुछ भी नहीं हो पाई है। आज प्रशासन को अवगत कराया गया, आयुक्त साहब से मिलके उनको अवगत कराया है कि कम से कम उसको 10 फीट गहरी करके और उसमें जो भी मलबा है कचरा है वो उसको निकाल के जो 12 महीना उसमें जल रह पावे ऐसी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करें, इससे वैष्णवों की स्वरूपात्मक दर्शन की व्यवस्था हो पावे, ऐसी जो है व्यवस्था आज आयुक्त साहब को अवगत कराया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मानसून से पहले हम आपकी इस व्यवस्था को पूरा करेंगे।